तो अपना रिश्ता सही से निभा नहीं सकी, दूसरे रिश्ते क्या निभाएगी। इसे तो खुद नहीं पता कि इसके रिश्ते का क्या अंजाम है। कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां, या अल्लाह तू मेरी मदद फरमा। लग वापस आई? जब मैं कमरे में आ रही थी तब तक तो वापस नहीं आई थी। नहीं आई थी? तुम इतने इत्मीनान से बैठी भी हो। क्या मतलब? मैंने ठेका नहीं उठा रखा उसका, बच्ची नहीं है जो गुम जाएगी। अपनी नसरीन खाला के घर गई हो सकता है उन्होंने रोक लिया। शहनाज बता रही थी कि काफी सामान लेकर गई है, अपनी खाला पर निछावर कर रही होगी। और तैमूर का? मुझे तो लग रहा है सो गया होगा। बात हो गई थी फलक से उसकी। क्या बात हुई? मुझे क्या पता सुहेल, दोनों मियां बीवी के आपस का मामला है, मैं क्यों पूछती फिर हूं? वैसे मूड कैसा था तैमूर का? मुझे तो कुछ परेशान से लग रहा था। वकार साहब भी आज ऑफिस आए थे हमारे, हमारी नई डील के पेपर्स बनवा कर लाए थे। कैसी नई डील? ऐसा मेरे सीने पर बोझ था जो उतर गया। कैसा बोझ? पहले की तरह इतने अरसे से यही चला आ रहा था कि हर डील में 80% का शेयर मेरा होता था और 20% तैमूर का होता था। जाहिर है आप कंपनी के मालिक हैं, और तैमूर से पहले इस कंपनी को आपने ही तो चलाया। ये ज्यादती है, तुम तो ये मत कहो। उस कंपनी को यहां तक पहुंचाने वाला तैमूर है, उसकी मेहनत है। तुम भी तो यही बार बार कहती रहती हो। और मैं तो उससे ये बात इतने अरसे से कह रहा था कि हर डील में हमारा हिस्सा बराबर का होना चाहिए। शुक्र है आज उसे मेरी बात समझ में आ गई, और उसने वकील साहब से भी कह दिया कि वो पेपर्स तब्दील करा के लाए, और अब आगे से जो भी डील होगी उसमें हम दोनों का शेयर बराबर का होगा। बल्कि कंपनी भी हम दोनों के नाम पर होगी। आज मैं बहुत खुश हूं किसान। क्या दिमाग खराब हो गया आपका? मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी और जिंदगी भर की मेहनत को आप इस तरह से जाया नहीं कर सकते। मैं मरकर भी ऐसा नहीं होने दूंगी।
या अल्लाह, ये लड़की कहाँ रह गई? मैंने सोचा था कि शायद कमरे में कहीं लेटी होगी। फोन कर रही हूँ, वो भी नहीं उठा रही। अल्लाह खैर करे, या अल्लाह खैर। समझता क्या है खुद को? चुप कर निकाह क्या कर लिया तो गुलाम बन गई हूँ मैं उसकी। कोई नौकर हूँ जो इस तरह घटिया तरीके से ट्रीट करेगा मुझे? अरे क्या हो गया सोनिया, कहाँ से आ रही हो और इतने गुस्से में क्यों चिल्ला रही हो? बस खेल खत्म, दिल भर गया मेरा उस सुहेल से। अब बस मुझे जान छुड़ानी है उससे। कुछ नहीं है उस कंगले के पास, सब कुछ खत्म हो गया। जो कुछ था ना, सब निकलवा चुकी हूँ मैं। अम्मा, जिस शख्स के पास 60-70 लाख की गाड़ी देने के पैसे नहीं है, मैं उसका चार डालूंगी। कुछ नहीं है उसके पास, कल ही जाकर सारे पेपर्स और दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करवाती हूँ और जान छुड़वाती हूँ उससे। अरे क्या पागल वागल हो गई है लड़की तू? तुमने शादी को समझ क्या रखा है? क्या गुड्डे गुड्डी का खेल है कि खेला और छोड़ दिया? पागल ही तो थी मैं जो उस कंगले नखट्टू से शादी कर ली थी मैंने। कसम से अम्मा, कुछ नहीं है उसके पास, सब कुछ खत्म हो गया। गाड़ी खराब थी, वर्कशॉप पर बैठा था, मैंने तो उसी वक्त सोच लिया था कि अब बस सब खत्म। अच्छा मुझे मुझे बता के, तेरी लड़ाई हुई है क्या सुहेल के साथ? लड़ाई तो अब शुरू होगी जब उसे पता चलेगा कि सोनिया का दिल भर गया उससे। अरे क्या हो गया सोनिया, सबर से काम लो। कितना सबर से चलूं? जुल्फी के लिए जो पैसे मांगे थे ना, वो अभी पूरे नहीं दिए। जब मांगती हूँ ना, तब टाल मटोल कर देता है। और गाड़ी, गाड़ी तो मेरा हक था ना, उस पर भी सबर करूं। खाड़ में गया सबर और जहन्नुम में गई शादी। नहीं रहना मुझे उसके साथ। अच्छा तो अब तो फिर क्या करेगी, बता दो सही। खुला के पेपर्स तैयार करवाऊंगी, वो भी इसी हफ्ते। फिर होश ठिकाने आएंगे उस सुहेल के। या अल्लाह, ये लड़की क्या करने वाली है, कुछ समझ नहीं इसकी आती। ये खुद भी धक्के खाएगी और मुझे भी खिलाएगी। कहाँ जाएंगे, कुछ छत तक तो है नहीं हमारे सर पे। या अल्लाह रहम कर मेरे बच्चों पे, मेरे मालिक। पता नहीं ये लड़की क्या करने वाली है। बहुत खुश किया है। इतने भी खुश ना हो, यह हाथ इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। जानता हूं, तुम्हें हासिल करना किसी चैलेंज से कम नहीं है।